गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर। टुडे वी विल डिस्कस आवर सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट। तो जो हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग होती क्या है? ठीक है, दिस चैप्टर डील्स विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, डेवलपिंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग कंस्ट्रक्शन वर्क बाय बार चार्ट एंड बाय नेटवर्क टेक्निक विच इन्वॉल्व CPM एंड PERT, डेवलपिंग दी सॉरी एंड एनालिसिंग CPM नेटवर्क। बेसिकली हम यहाँ इसमें इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले से लेके ख़त्म होने तक हमें क्या क्या देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, हमें पहले प्री कंसेप्शन होता है, ठीक है, फिर प्लान बनता है, फिर ड्राइंग्स उसकी बनती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके शुरू से लेके हम जब तक प्रोजेक्ट हमारा ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हमें सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू डिवाइड द एंटायर प्रोजेक्ट प्रिलिमिनरी फॉर फेसिंग आउट द सब सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। बेसिकली अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो हमें उसे थोड़े छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए, बांट लेना चाहिए, ताकि जो काम है वो इजी से हो जाए। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है टू प्रिपेयर डिटेल्ड ड्राइंग स्पेसिफिकेशन एंड एस्टिमेट्स। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टू फाइनलाइज दी प्रोसेस फॉर द प्रिक्योरमेंट फॉर ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो हमें जो फाइनलाइज करना पड़ता है, जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके लिए हमें फाइनल करना पड़ता है कि ये हमारी ड्राइंग है, ये हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके लिए इतना मटेरियल यूज़ होगा, तो हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से प्रिक्योर करना पड़ता है। तो फोर्थ है हमारा टू फाइंड द क्वांटिटी टाइप एंड टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ मटेरियल। एक तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मटेरियल की जो मर्जी हो, प्रोजेक्ट हो चाहे, ठीक है, टाइप, ठीक है, कि उसकी टाइप क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट की या किसी मटेरियल की, ठीक है, टाइम पर डिलीवर करना है, टाइम से पहले डिलीवर करना है, ये हमें, ठीक है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के दौरान ही सोचना पड़ता है। टू डिटरमाइन द टाइप नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ यूज़ फॉर ईच टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी। बेसिकली आजकल क्या होता है कि जब हम कोई भी मशीनरी या कोई भी अपना इक्विपमेंट लेते हैं, ठीक है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें दिया जाता है कि हाँ भाई, आप इतने समय तक इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं कि हमने एक इक्विपमेंट सुबह को लिया, तो JCB की बात करते हैं, ठीक है, JCB सुबह को लेकर अपने एक्सकवेशन के लिए, खुदाई के लिए, ठीक है, फाउंडेशन की, तो हमने उसको शाम तक डिलीवर करना है वापस, ठीक है, इसमें ये चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, टू इवेल्युएट द नंबर ऑफ लेबरर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर जॉब। जैसे हमें कुछ भी दीवार बनवानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, दीवार बनवानी है, तो उसके लिए हमें कितनी लेबर, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, वो हमें प्री प्लान करना पड़ता है। ठीक है, तो टू एस्टिमेट द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने से पहले हम उसका फ़ंड चेक करते हैं कि हाँ, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इतने पैसे में बन जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। तो जो हमारे पास दो कंस्ट्रक्शन स्टेजेस हैं, ठीक है, फर्स्ट हो गया प्री टेंडर स्टेज। ठीक है, जैसे आजकल क्या होता है, टेंडर पास होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड के लिए, अगर रोड की कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें टेंडर पास होते हैं, मान लो, ठीक है, टेंडर में भी दो टाइप्स होती हैं, जैसे कि प्री टेंडर स्टेज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज हो गया, और पोस्ट टेंडर स्टेज हो गया। प्री में हो गया कि जैसे टेंडर भरने से पहले हमें कॉस्ट एस्टिमेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, प्लानिंग, ड्राइंग, सबका एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि हमारा जो प्लान है वो इतने बजट में हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये इनमें ये चीज़ें आ गई। तो कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट टेंडर स्टेज में आ गया हमारा कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है
ठीक है, तो हमें मटेरियल, इक्विपमेंट, लेबर, स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, सो लेट डिस्कस विद बाय वन। ठीक है, तो प्री स्टैंडर्ड स्टेज, इट इज़ अ प्लानिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ टेंडर अप टू रिसिप्ट ऑफ टेंडर्स एंड इंक्लूड। और एक बात और, जब टेंडर निकलते हैं तो हमें टेंडर फिल करने के लिए कुछ अमाउंट देनी पड़ती है, जिसको हम सिक्योरिटी मनी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनल सिलेक्शन ऑफ द साइट एंड एक्वायरिंग द सेम। ठीक है, सेकंड है प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, स्टोर, लेबर, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। थर्ड है स्टडी ऑफ वाटर टेबल कंडीशन। ठीक है, वाटर टेबल की कंडीशन को देख के ही हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि वो कितने लेवल पर है। ठीक है, उसी हिसाब से फाउंडेशन का डिज़ाइन होता है। फोर्थ है, सॉरी नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयरिंग रफ एस्टीमेट। ठीक है, रफ एस्टीमेट लगाते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इतने बजट में और इस पर इतना कुल खर्चा आएगा। नेक्स्ट है हमारा टू फैसिलिटेट अवेलेबल एट दी साइट फैकल्टी, जैसे भी हमारा इंजीनियर हो गया, लेबर हो गया, कुछ भी मटीरियल हो गया, ठीक है, उसको साइट पर अवेलेबल करवाना। ठीक है, फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स विच आर लाइकली टू अकर स्टेज पोस्ट टेंडर। ठीक है, जैसे कि हमें पहले से ये देख कर ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हमें ये प्रॉब्लम आती है कंस्ट्रक्शन के प्री टेंडर स्टेज के दौरान, तो हमें ये जो बातें हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टेज और पोस्ट टेंडर स्टेज। फर्स्ट जो पॉइंट है टू डिवाइड द प्रोजेक्ट इन टू वेरियस स्टेजेस बेसिकली। हाँ ठीक है, जैसे लास्ट स्टेज में था वैसे फर्स्ट पॉइंट वही यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो सेकंड है टू डिवाइड ईच स्टेज इनटू वेरियस सब स्टेजेस। जैसे एक मान लो हमारे पास एक स्टेज है, ठीक है, उसको हम छोटे छोटे भागों में और तोड़ लेंगे, जिसको हम एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमें दीवार बनवानी है तो हमारे पास दो मैसन हो गए, दो लेबर हो गए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम अगर दीवार बनवाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। ठीक है, वही अगर हम उसको एक्टिविटी को तोड़ तोड़ कर करेंगे तो एक तो हमारा टाइम भी बचेगा और एक पैसा भी बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू ऑल टू डे डिटेल्स ऑफ वर्क्स डन एट द साइट। इस पॉइंट का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे यहाँ आजकल कंस्ट्रक्शन साइट पर एक चीज़ डेली सुबह नोट होती है। ठीक है, यहाँ जैसे लेबर आई, लेबर की अटेंडेंस लगाना, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर की सैलरी, सब कुछ ए टू से लेकर जेड तक जो भी काम वहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे मटेरियल की, ठीक है, डिलीवरी हुई, उसकी डिटेल सब कुछ नोट डाउन होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है टू प्रिपेयर द चार्ट्स फॉर इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। ठीक है, चार्ट को प्रिपेयर करना, ठीक है, ग्राफ को प्रिपेयर करना कि हाँ वो काम इस जो हमने जो सोचा था वो काम इस हिसाब से हो रहा है या नहीं। ठीक है, टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, टू डिसाइड अबाउट द लेआउट प्लान ऑफ स्टोरिंग मटेरियल, खासकर मटेरियल को स्टोर करने का प्लान। ठीक है, उसका लेआउट हमें कहाँ पर करना है जो इजीली हम उसको अवेलेबल करा सकें। नेक्स्ट है टू प्रिक्योर द मटेरियल को प्रिक्योर करना। ठीक है, टू प्लान द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यूटिलाइज करना अवेलेबल रिसोर्सेज को, उसको प्लान करना, जैसे कि कहीं एक ही इक्विपमेंट की दो जगह ज़रूरत पड़ गई तो हम डिवाइड कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा टू कंस्ट्रक्ट ऑफिस एट अ साइट। बेसिकली आजकल क्या होता है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में, जैसे कि कोई भी टावर बन रहा है या कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो उनका ऑफिस वहीं पर कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू कंस्ट्रक्ट ऑफिस एट अ साइट। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड स्टाफ, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करना, जहाँ कि चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लेबर हो, ठीक है, रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए। टू डिसाइड अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर फॉर मैक्सिमम आउटपुट प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट। ठीक है, जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मान लो साइट के कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो हमारे पास लेबर दूसरी लेबर होनी चाहिए, इतनी लेबर होनी चाहिए कि हम उसकी जो अपनी डिमांड है उसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो
यहीं पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। और एक बात और, आप अपनी अटेंडेंस हर लेक्चर की, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलो।